आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही टेस्टी सोया बड़ी यानी सोया चंक्स और मटर की सब्जी। और अगर आप इस तरीके से बनाएंगे ना तो आप इसे बार बार ऐसे ही बनाएंगे और जो खाएगा ना वो उंगलियां चाटता रह जाएगा। बहुत ही स्वादिष्ट बन करके तैयार होती है, साथ में इसे बनाना भी बहुत आसान है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। उससे पहले वेलकम टू अमेजिंग किचन रेसिपीज़। तो यहाँ पे सोया बड़ी की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले ना सोया बड़ी को उबाल लेंगे। तो 2 कटोरी मैंने सोया बड़ी ली है और पानी गर्म होने के लिए पहले से ही रख दिया था। सोया बड़ी को मीडियम हाई फ्लेम में उबाल लेंगे, तब तक उबालेंगे जब तक ये अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए, बिल्कुल इस तरीके से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सोया बड़ी है यानी सोया जो चंक्स हैं ये फोल्ड करके दुगने हो गए हैं। गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया है और इन्हें निकाल करके ना एक छलनी में रख लेंगे। और छलनी में निकालने के बाद ना इन्हें मैं पानी से अच्छे से वॉश कर लूँगी ताकि ये जल्दी से ठंडे हो जाएँ। ठंडे होने के बाद इनका पानी अच्छे से हाथों से निचोड़ते हुए इन्हें डाल देंगे एक मिक्सिंग बोल में। तो पानी आपको अच्छे से निचोड़ देना है सोया बड़ी का यानी सोया चंक्स का, और फिर इन्हें एक मिक्सिंग बोल में इस तरीके से डाल लेना है। अब इसमें डालेंगे आधा कप दही। दही को मैंने फेट करके डाला है। साथ में डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इसी के साथ में आधा छोटी चम्मच किचन किंग मसाला, आधा छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1 छोटा चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। और इसी के साथ में इसमें डालेंगे आधा छोटी चम्मच चाट मसाला पाउडर। साथ में 1/4 चम्मच जितना मैं इसमें नमक भी ऐड कर रही हूँ। और बस अब सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत ज़्यादा इसमें आपको मसाले अभी ऐड नहीं करने हैं। तो यहाँ पे सोया बड़ी को मैरिनेट कर रहे हैं। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद ना इसे रख देंगे फ्रिज में 20 मिनट के लिए। तब तक बाकी की तैयारियां कर लेंगे। अब यहाँ पे कढ़ाई में मैंने ना 3 बड़े चम्मच सरसों के तेल को गर्म कर लिया है। इसमें मैंने ना रफली काट करके 2 प्याज डाली हैं। प्याज को तब तक भूनेंगे जब तक इसका कलर ब्राउन ना हो जाए। तो यहाँ पे मैंने रफली काट करके डाला है। आप स्लाइस में डालेंगे ना तो प्याज जल्दी ब्राउन होगी, तो आप स्लाइस करके डालिएगा। तो यहाँ पे देखिए प्याज जो है ना वो अच्छे से ब्राउन हो गई है। और बस इसी टाइम पे इसमें डाल देंगे 3 टमाटर काट करके। और टमाटर को भी ना बहुत अच्छे से भूनेंगे, जैसे प्याज को भूना है वैसे ही टमाटर को भी अच्छे से भूनेंगे। और इसी के साथ में इसमें डाल देंगे 2 सूखी लाल मिर्च। ये बिल्कुल भी तीखी नहीं है, इससे बहुत अच्छा सा कलर आएगा। और इसी के साथ में इसमें मैं डाल रही हूँ आधा छोटी चम्मच जितना नमक। नमक डालने से टमाटर बहुत अच्छे से भुन जाएंगे और सॉफ्ट हो जाएंगे। तो नमक डाल के ना अभी अच्छे से मिक्स करेंगे और टमाटर जल्दी से पक जाए इसके लिए ना मीडियम टू लो फ्लेम में ढक्कन ढक के अच्छी तरीके से इसे पकाएंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। तो अब मैं ढक्कन ढक रही हूँ। तो यहाँ पे लगभग 4 मिनट हो रहे हैं टमाटर को पकते हुए, बीच बीच में मैंने चलाया भी है और टमाटर ना बहुत अच्छे से पक गए हैं। तो अब ढक्कन हटा करके इन्हें थोड़ा सा और भून लेंगे। तो जब इस तरीके से ऑयल सेपरेट सा दिखने लगे ना तब तक आपको भूनना है। गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया है, इन्हें ठंडा होने देते हैं। अब यहाँ पे 1 कप में मैं ले रही हूँ 2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर। इसी के साथ में मैं इसमें डालूंगी आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा पानी डाल करके ना मसालों को पानी में भिगो करके रख देंगे। इससे मसाले बहुत अच्छे से फूल जाएंगे और ग्रेवी में बहुत अच्छा स्वाद देंगे। तो बस अब मसालों को इसी तरीके से भिगो करके अभी साइड में रख देते हैं। अब जो प्याज टमाटर को ठंडा होने के लिए रखा था ना ये बहुत अच्छे से ठंडे हो गए हैं। इन्हें ग्राइंडिंग जार में डालेंगे, पानी एक भी आपको नहीं डालना है। और बस इन्हें इसी तरीके से पीस लेंगे। बहुत अच्छे से ये सॉफ्ट हुए हैं, भुने हैं, तो बहुत आसानी से ये पीस करके तैयार हो जाएंगे। तो बस इस तरीके से पीस करके बिल्कुल फाइन पेस्ट बना लेना है आपको। अब यहाँ पे कढ़ाई में मैंने ना 5 बड़े चम्मच सरसों के तेल को गरम कर लिया है। इसमें डाला मैंने 1 तेज पत्ता, 1 दालचीनी का टुकड़ा, साथ में कुछ दाने मैंने काली मिर्च के डाले हैं, 1 बड़ी इलायची डाली मैंने, साथ में आधा छोटी चम्मच जीरा। गैस का फ्लेम मैंने बिल्कुल लो रखा है और इसी के साथ में मैं 1 बड़ा चम्मच डाल रही हूँ कूट करके अदरक और लहसुन। अब इन्हें ना आपको आधे मिनट तक भूनना है। फ्लेम अभी भी मैंने लो रखी है ताकि कुछ भी जले नहीं। तो बस लगातार चलाते हुए सारी चीज़ों को इस तरीके से भून लेंगे। और जब ये हल्के से भुन जाएंगे ना तो इसमें अब डालेंगे भीगे हुए मसाले। और मसालों के साथ में अभी लगातार चलाते हुए सारी चीज़ों को भूनेंगे। मसालों में पानी डला हुआ है तो ये बिल्कुल भी अब जलेंगे नहीं और बहुत अच्छे से भुन जाएंगे। साथ में मैंने 1 चम्मच जितना
क्रश करके कसूरी मेथी भी डाल दी है। तो कसूरी मेथी इसी टाइम पे डालिएगा, इससे ये भी बहुत अच्छे से भुन जाएगी और बहुत ही अच्छा स्वाद देगी और खुशबू देगी सब्जी में। तो यहाँ पे जब इस तरीके से तेल सेपरेट हो जाए ना मसालों में से, तो इसमें डाल देंगे मैरिनेट किए हुए सोया चंक्स जो मैंने फ्रिज में रखे थे 20 मिनट के लिए, तो ये सारे इसमें डाल देंगे। और अभी सोया चंक्स को भी ना बहुत अच्छे से भूनना है, लगातार चलाते हुए इसे भूनेंगे। और जितने अच्छे से आप सोया चंक्स को भूनेंगे ना, उतनी ही ज़्यादा आपकी ये सोया चंक्स और जो मटर है ना उसकी सब्जी बनकर के तैयार होगी। तो इसमें लगभग आपको 3 से 4 मिनट आराम से लग जाएंगे। तो बस इसी तरीके से लगातार चलाते हुए भून लेना है। तो आप देख सकते हैं सोया चंक्स जो है ना, इनका कलर भी हल्का सा चेंज हो गया है, इनमें ऑयल सा सेपरेट दिख रहा है, मतलब ये बहुत अच्छे से भुन गए हैं, मसाले भी बहुत अच्छे से इसके साथ में भुन करके तैयार हो गए हैं। और एक बहुत अच्छी खुशबू और फ्लेवर के लिए ना, इसमें मैंने थोड़े से धनिया के डंठल डाल दिए हैं, इन्हें डाल करके भी अभी आधे मिनट तक ना सोया बड़ी के साथ में भून लेंगे, तो इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है सब्जी में। तो यहाँ पे देखिए सोया बड़ी बहुत अच्छे से भून करके तैयार है। तो इसमें अब प्याज और टमाटर जो पीस करके रखा था ना लाल मिर्च के साथ में, उसे डाल देंगे। अच्छा एक चीज़ मुझे और यहाँ पे बताना है, अगर आप लाल मिर्च को स्किप करना चाहें ना जब प्याज टमाटर को हम भून रहे थे उस टाइम पे, तो आप बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, उसके बिना भी सब्जी बहुत अच्छी लगेगी। और यहाँ पे साथ में ना मैंने 1 कप फ्रोज़न मटर डाल दिए हैं, अगर आपके पास ताजे हो तो आप ताजे डाल सकते हैं। साथ में आधा छोटी चम्मच यहाँ पे मैंने गरम मसाला भी ऐड कर दिया है। सारी चीज़ों को ना अभी 2 मिनट के लिए फ्लेम को मीडियम हाई करके इस तरीके से लगातार चलाते हुए भून लेंगे। इससे क्या होगा ना, मसाले बहुत अच्छे से घुल मिल जाएंगे सोया बड़ी के साथ में और एक बहुत अच्छा सा फ्लेवर देंगे। तो लगभग 2 मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम करके इसे इसी तरीके से आपको भून लेना है। बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि प्याज टमाटर को तो हमने बहुत अच्छे से भून करके फिर पीसा था। तो यहाँ पे सारी चीज़ें अच्छे से भून गई हैं, लगभग 2 मिनट मैंने और भूना। इसमें डाल देंगे पानी, तो लगभग 2 से 2.5 कप जितना मैं पानी डाल रही हूँ। तो पानी आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा इसकी पतली ग्रेवी नहीं करनी है, मुझे थिक ग्रेवी का बनाना है, तो उसी हिसाब से मैंने पानी डाला है। अब इस टाइम पे आप चाहें तो इसमें नमक डाल सकते हैं, मैंने प्याज और टमाटर जब भुना था उसमें भी डाला था, और जब मैंने ना सोया बड़ी को मैरिनेट किया था उसमें भी मैंने नमक डाला था, तो मुझे नमक डालने की इसमें अब ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगे तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें और नमक ऐड कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे और ढक्कन ढक के इसे तब तक पकाएंगे जब तक ऑयल ना सेपरेट हो जाए। तो यहाँ पे लगभग 4 से 5 मिनट हो रहे हैं, लो फ्लेम में मैंने इसे पकने के लिए रखा था और बीच बीच में मैंने 2 से 3 बार चलाया भी था, और आप देख सकते हैं ऑयल अच्छे से सेपरेट हो गया है, मतलब ऊपर आ गया है। इसका मतलब सब्जी हमारी बनकर के तैयार हो गई है सोया बड़ी और मटर की। इसमें डाल देंगे हरा धनिया और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे ना मैंने थिक ग्रेवी वाली बनाई है और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर के तैयार होती है। और गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया है और लास्ट में इसमें मैं एक हरी मिर्च इस तरीके से स्लिट करके डाल रही हूँ। तो बस आप भी इस रेसिपी को इसी तरीके से ट्राई करिए, और अगर आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो आप अमेजिंग किचन रेसिपीज़ को कर लें सब्सक्राइब। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर कॉमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।